इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 बीए सेकंड सेम वकैब की ही एक्सरसाइज होगी ये भी। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि ईमेल पे एक वीडियो बनाई जाए ईमेल राइटिंग पे, तो वो वीडियो कल तक पक्का आ जाएगी। अब करते हैं शुरू। ये फर्स्ट है ईयरली। ईयरली का मतलब होता है वार्षिक, यानी जो साल में एक बार हो। और उसका जो दूसरा सिनोनिमस होगा वो क्या होगा, एनुअल। एनुअल का मतलब साल में एक बार होने वाला, जिसको वार्षिक भी कह देते हैं। इम्परफेक्शन होता है कमी। इम्परफेक्शन कोई भी कमी या दोष, कोई भी कमी या दोष। और ये है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब भी दाग धब्बा, कमी या दोष। इमीजिएटली, इमीजिएटली होता शीघ्र, शीघ्र तुरंत। और दूसरा बहुत ही ईजी सा वर्ड है इसका, सून। नेक्स्ट है शेम। शेम का मतलब बहाना बनाना, दिखावा करना, पाखंड करना। और इसका जो दूसरा वर्ड है वो है प्रिटेंड। प्रिटेंड का भी यही मतलब होता है, प्रिटेंड। फिफ्थ का वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है एकदम सही, बिल्कुल। और प्रिसाइजली का भी यही, एग्जैक्टली प्रिसाइजली, बिल्कुल सही, एकदम सही, इस तरह से इसकी हिंदी होती है। अपोजिट वर्ड्स हैं अब की बार डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब होता है असमानता, मतलब कुछ असमान, असमानता नहीं, असमान। और सिमिलर का मतलब समान। आइडलर, आइडलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो कोई भी काम ना करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइडलर। यानी जो खाली रहता हो लगभग, आलसी सा, सुस्त सा। और हार्ड वर्किंग किसको कहेंगे, जो मेहनती है उसको क्या कहेंगे, हार्ड वर्किंग। अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड का मतलब होता कम करना, इन्फ्लेटेड बढ़ाना किसी चीज़ को। नॉविस, नॉविस का मतलब होता है, तुमने हिंदी में एक शब्द सुना होगा नौसिखिया, यानी जिसने ज़्यादा अनुभव, जिसको ना हो, जो नया नया हो उसको कहते हैं नॉविस। और एक्सपीरियंस्ड होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी। आउटर का मतलब होता है बाहरी, और इनर का मतलब होता है आंतरिक, अंदरूनी। तो ये थी वकैब चैप्टर 5 की। लर्न करो और इसको अच्छे से याद करो।